हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एंट्रीज तो आपको सब पहले से ही पता होंगी, बट मैं इसको लर्न करने की आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एंट्री कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो रिवाइज सिलेबस है अब यहां से ये जो एंट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे और इसको आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी वीडियोस ट्रिक्स पे बेस्ड होती हैं, जो मैं न्यूमेरिकल फास्ट कैसे लगाना है और आपका टाइम मैनेजमेंट बताता हूं जिससे आप टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मींस क्या होता है कि जब भी एक पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक फर्म में ए एंड बी, ये दो पार्टनर है और ये दो पार्टनर पहले से ही बिजनेस रन करते हुए आ रहे हैं। तो मान लीजिए इनके दौरान जब ये फर्म अपना रेगुलेट कर रहे होंगे तो इसमें इनको प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 9000 का। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसा कि मैंने फंडामेंटल बनाया था, मैं प्रॉफिट शेयरिंग का भी नहीं स्टार्ट किया हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर कंडीशन इज व्हाट कि अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो अगर फिक्स नहीं है, एग्रीमेंट कुछ नहीं है, तो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर रेशियो गिवन डाटा है तो फिर रेशियो जो गिवन होता है उस पर हम अपने कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, सो ए का जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा विच इज 4500 एंड बी का आएगा 4500, ये तो सेम एज इट इज हो गया। बट मान लीजिए अगर ये दोनों पार्टनर हैं, फर्म को ठीक से नहीं रन कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी एक न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन देने की कंडीशन क्या होती है, फर्म अच्छे से नहीं रेगुलेट हो रहा है, फर्म में पैसे की कमी है, मींस कैपिटल की कमी है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की कमी है, तो हम एक न्यू पर्सन को एंट्री दे देते हैं। तो मैं सेम एग्जांपल को लूंगा यहां पे कि अब यहां पर हो जाता है क्या कंडीशन कि ए एंड बी एंड पार्टनर तो थे, इन्होंने अपने एक दोस्त सी को फर्म में न्यू पार्टनर पे एंट्री दे दिया, मींस ये न्यू पार्टनर बनकर आ रहा है। मान लीजिए फिर प्रॉफिट हुआ 9000, ठीक है ना, फिर अगेन अगर प्रॉफिट अगर 9000 में हुआ तो क्या ए एंड बी सेम अमाउंट होगा, नहीं। अब अगर प्रॉफिट बचेगा तो तीनों में इक्वल होगा, तो द अमाउंट इज रुपीज 3000 एंड 3000। अब यहां पर यही एडमिशन का कंडीशन आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सिर्फ ए और बी थे पार्टनर तो कंडीशन क्या थी, प्रॉफिट जो अमाउंट आया था 4500 ए का आया था एंड 4500 बी के लिए आया था, लेकिन जैसे एक न्यू पार्टनर आएगा तो दोनों पार्टनर की प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगी, विच इज नोन एज सैक्रिफाइस। क्योंकि जब एक पार्टनर फर्म में दूसरा आता है न्यू एज अ पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट में से न्यू को सैक्रिफाइस करके देते हैं। तो जैसे कि यहां 4500 था पहले, जैसे ही न्यू आया इनका प्रॉफिट हो गया 3000, मींस ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस किया, 1500, सेम एज इट इज बी ने भी 1500 सैक्रिफाइस किया, तो इन दोनों का सैक्रिफाइस अमाउंट किसने ले लिया, सी ने ले लिया, यही हमारा टर्म है। बहुत अच्छा है कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए घर में अगर दो भाई हैं और अगर उनके बीच में तीन चॉकलेट हैं, तो एक चॉकलेट एक भाई ले लिया, एक चॉकलेट एक भाई ले लिया और एक चॉकलेट का आधा आधा दोनों भाई आपस में डिवाइड कर लिए, बट सडनली क्या हुआ, उनका एक कजिन आ गया, तो अब क्या होगा, तो अब ना चाहते हुए भी जो दो भाई हैं वो क्या करेंगे, एक चॉकलेट खुद खाएंगे, दूसरा चॉकलेट खुद खाएंगे और तीसरा चॉकलेट अपने कजिन को देंगे जो न्यू आ गया, वही यहां पर भी टर्म होता है। बहुत सिंपल सा टेक्निक है। तो यहां पर फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको सारी चीजें, जो हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल अपलोड होगा तो वहां पे सारी चीजें आपको दिखेंगी एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अब यहां पर हम आते हैं एंट्री को समझने के लिए, क्योंकि यहां पर एंट्री बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और अगर एंट्री आपने सही पास किया तो आपका न्यूमेरिकल में मार्क्स मिलना फिक्स्ड है। क्लियर? सो द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली मींस क्या होता है कि जैसे कि एक फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी पहले से पार्टनर थे, सी एक फर्म में न्यू पार्टनर आता है, तो कंडीशन क्या होता है कि सी अपने साथ, जब भी एक पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा, एक होगा गुडविल, दूसरा होगा कैपिटल। क्लियर?
अब कंडीशन क्या होगा, तो ये हमारा एडजस्टमेंट गुडविल पर बेस्ड है, कैपिटल पर बेस्ड नहीं है। और जैसा कि रिवाइज सिलेबस आपको पता भी होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अब यहां पर हमारा हो गया सी, जो पार्टनर नया आ रहा है, तो कंडीशन इज व्हाट कि ये जो सी है ए और बी से कहेगा कि देखो तुमको गुडविल का पैसा तो हमको देना ही है, तो चलो तुमको फर्म के बाहर दे दे रहे हैं, फर्म में रहेगा तो इसमें कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें। तो ये दोनों पार्टनर ने क्या किया, अगर सी से जो गुडविल का पैसा है वो प्राइवेटली फर्म के बाहर कहीं ले लिया, मतलब कि फर्म में नहीं उसकी एंट्री हो रही है, तो विच इज नोन एज गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पेड किया गया है, मतलब फर्म में उसकी एंट्री नहीं है। तो जब फर्म के लिए ही तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जब फर्म में ये नहीं आया तो नो जर्नल एंट्री। तो अगर पार्टनर जो है प्राइवेटली अगर गुडविल का पेमेंट करता है तो इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके लिए है। कंडीशन इज व्हाट, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब एक नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो वो अपने गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है, मतलब उसके जेब में पैसा है या चेक है जो भी है वो लेकर आ रहा है कैश में। अब कंडीशन क्या बनती है, तो जब भी एक न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा तो इसके लिए दो कंडीशन बनेगी। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस और रिटेन्ड इन द फर्म, जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है, रिटेन्ड इन द फर्म, यहां पर हम लिख देते हैं फर्म, क्योंकि यहां पर फर्म की बात किया जा रहा है या फिर बिजनेस जो पार्टनर मिलकर कर रहे हैं। तो रिटेन्ड इन द फर्म का मीन्स क्या हो गया कि गुडविल जो आया वो क्या हुआ, फर्म में ही रखा है, उसको किसी ने यूज नहीं किया, वो फर्म के लिए सेव करके रख दिया गया। अब कंडीशन देखिए, नया पार्टनर फर्म में आएगा तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है ना। ऐसे इमेजिन करिए कि ये मान लीजिए एक फर्म है, ये आपका एक फर्म है, तो जो सी पार्टनर है वो फर्म में अगर आता है, ठीक है, तो इसने क्या लाया अपने साथ, कैश में लेकर आया क्या, गुडविल। तो फर्म के पास इन क्या हो रहा है, मतलब फर्म के पास क्या आ रहा है, गुडविल। तो रियल अकाउंट का रूल तो ऑलरेडी पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया फर्स्ट एंट्री में। क्या ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो फर्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या सरप्लस हुआ, ये क्या हुआ, हमेशा क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या बन गया, प्रीमियम फॉर, तो प्रीमियम वर्ड क्यों यूज हो रहा है, प्रीमियम वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये जब आप दूसरी बुक पढ़ेंगे कंपनी की ना, तो वहां पर भी ये वर्ड आएगा। प्रीमियम मींस होता है एक्स्ट्रा, या जैसे मान लीजिए फर्म तो चल रही है, गुडविल पहले से ही आपके पास है, एक नया पार्टनर आता है और वो भी गुडविल ला कर दे देता है, तो आपके पास और एक्स्ट्रा गुडविल हो गया ना पैसे में, तो वो क्या काम करेगा, प्रीमियम का काम करेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि रूल नॉमिनल आपको पता ही है, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, जब फर्म में ये पैसा आएगा तो इस पैसे को यूज कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। तो जैसे ही न्यू पार्टनर ये फर्म में लेकर आता है पैसा अपने गुडविल का, तो ए और बी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, सी आया कहा लीजिए भैया गुडविल। अब कंडीशन वर्ड हमारी क्या बनती है, ए और बी, जब सी यहां पर एंट्री किया तो ए और बी ने क्या किया, इनसे वो गुडविल लिया, पहली एंट्री फर्म में आया, दूसरी यहां पर वो पार्टनर क्या कहेंगे, ओल्ड पार्टनर, कि अब इनके गुडविल को आपस में डिवाइड कर लेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड करके उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। कंडीशन क्या होती है, तो अब ए और बी जो है वो सी का लाया हुआ गुडविल आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर सी ने 1 लाख रुपीज की अगर गुडविल लेकर आया फर्म में, तो ए और बी 1 लाख में कितना कितना लेंगे, तो झगड़ा होगा बाद में, ए कहेगा कि नहीं हमें 50,000 दे दो, बी कहेगा नहीं हमें 50,000 दे दो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, थ्रू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए मैंने एंट्री में बनाया हुआ। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस व्हाट, कि जब एक न्यू पार्टनर फर्म में अगर ये आएगा तो इसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना, तो जो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से जितना ज्यादा रेशियो सैक्रिफाइस करके सी को देगा, मींस न्यू पार्टनर को, वो पार्टनर सबसे ज्यादा गुडविल भी पाएगा फर्म के बेनिफिट्स में। मान लीजिए कि जैसे मैंने अगर कहा कि जो ए हमारा है इसने सबसे ज्यादा अपने रेशियो में से सैक्रिफाइस किया और बी ने बहुत कम किया सैक्रिफाइस, ठीक है, तो सी के पास क्या पैसा आएगा, जितना ए ने सैक्रिफाइस किया और जितना बी ने सैक्रिफाइस किया दोनों प्लस हो जाएगा। बट सी जो अपने साथ गुडविल लेकर आया है उसमें सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, ए को, क्योंकि जो सैक्रिफाइस किया है।
तो वही चीज यहां पर देखिए एंट्री बन रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि एक अकाउंट क्रेडिट है, उसको क्लोज करने के लिए नेक्स्ट अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, और ये अकाउंट यहां से माइनस हो रहा है ना। अब ये पैसा यहां से माइनस हुआ गुडविल के अकाउंट से और कहां चला गया? पार्टनर के पास। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ये लैंग्वेज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये तो बुक का लैंग्वेज था तो मैंने नोट कर दिया। लेकिन आप इसको एक सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं, आप इसे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं हमेशा क्या कहता हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं कहता हूं। ओल्ड पार्टनर्स हम लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समझिए, रीजन समझिएगा, कभी कभी जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओल्ड पार्टनर्स में कुछ ओल्ड पार्टनर ऐसे हैं जो सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, वो गेन कर जाते हैं। जैसे कि क्या होगा, मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करके सी को तो देंगे अपना रेशियो, लेकिन कंडीशन क्या बनती है, बी ने कह दिया नहीं हम नहीं देंगे, हम प्रॉफिट नहीं देंगे। तो अब ये नहीं देंगे तो क्या इनको गुडविल में मिलेगा फिर इसका? नहीं मिलेगा। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी? या फिर हो सकता हो जब एक नया पार्टनर आया सी, तो ए और बी पार्टनर है, ए बहुत पैसे वाला है, तो बी भी मुंह फुला के बैठ गया, कहेगा क्या कि तुम सी को दे रहे हो बहुत ज्यादा, हमको भी थोड़ा सा दे दो, तुम प्रॉफिट में से हिस्सा। तो अब यानी क्या हुआ, बी सैक्रिफाइस करने की जगह पे क्या कर जाएगा, गेन कर जाएगा। तो जो पार्टनर गेन करेगा क्या उसको मिलेगा? जब नए पार्टनर के एंट्री पर ओल्ड पार्टनर ने उसको कुछ दिया ही नहीं, तो क्या न्यू पार्टनर आएगा तो ये नहीं कहेगा कि सी जब आएगा फर्म में तो कहेगा बी से, तुम तो हमको कुछ दिए ही नहीं हो, हम तुमको अपना गुडविल नहीं देंगे, हम किसको देंगे पूरा गुडविल? ए को, क्योंकि ए ने मुझे अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करके दिया है। तो ये सब कंडीशन बनती है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको ट्रिक के थ्रू बताया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अकाउंटिंग में यहां पर ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाता हूं, सिर्फ लैंग्वेज हमारी नहीं चलेगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहने की जगह हम कह देंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, गुडविल इज विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब यहां तक अब ये समझिए, ये दो टाइप की कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो कंडीशन बन गई ये, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म या बिजनेस। दूसरी कंडीशन बन गई, गुडविल इज विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब कि अब यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर ये कंडीशन आ गया क्वेश्चन में, ये कंडीशन आई तो ये दोनों एंट्री पास हुई, ये कंडीशन आ गई तो क्या सिर्फ यही एंट्री पास होगी? नहीं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गुडविल इज विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो गुडविल एक न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लिए, निकाल लिए अपने अकाउंट से। तो अब एक बात बताइए, वो अपने अकाउंट से विड्रॉ करेंगे कब? पहले गुडविल फर्म में आने तो दीजिए, फिर पार्टनर में ट्रांसफर होने तो दीजिए, तब ना उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये कंडीशन जब भी आए तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एंट्री ऑटोमेटिक इस कंडीशन में पास होगा, इसीलिए यहां पर लिखा नहीं गया है ये ए प्लस बी, मतलब ये जो वाला रूल है दोनों, ये दोनों एंट्री भी यहां पर सॉल्व होगा। हम एंड लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ए एंट्री एंड बी एंट्री इस कंडीशन के क्वेश्चन में पहले पास होगा, फिर ये वाली एंट्री पास होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां तक क्या था, पहले गुडविल फर्म में आया, पार्टनर ने उस गुडविल को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, अब पार्टनर क्या करेंगे, उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। अगर नहीं विड्रॉ करते तो क्वेश्चन यहां खत्म। विड्रॉ करेंगे तो जस्ट नीचे एक एंट्री आपको और पास कर देना। विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, अब समझिए ध्यान से, ए और बी ने जैसे सी ये पैसा लाया फर्म में, तो ये पैसा आया फर्म में, ए और बी ने उसको निकाल लिया, विड्रॉ यही हुआ। तो फर्म में से पैसा इन हुआ या आउट हुआ? आउट हुआ। और जब भी पैसा यानी कि कैश या चेक आउट होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये देखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। पार्टनर डेबिट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज हु इज द रिसीवर, पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलिएगा, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइसिंग यहां क्रेडिट हुए हैं ना, यही सैक्रिफाइसिंग यहां पर डेबिट भी होंगे। या तो ऐसे कह दिए, जो ये ओल्ड यहां पर क्रेडिट है वही ओल्ड यहां पर डेबिट भी है। तो चेंजिंग कुछ नहीं है, बस यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग का कॉन्सेप्ट अपने मन में रख के निकालना है। क्योंकि याद रखिएगा, पूरे पार्टनरशिप में जो गुडविल का एडजस्टमेंट है, जब भी एक न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है,
फर्म में, वही एक गुडविल है जो आपकी सैक्रिफाइजिंग रेशियो पे कैलकुलेट किया जाएगा। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एडमिशन चैप्टर में आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर में आप गेनिंग रेशियो के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फिर क्या होगा, जस्ट अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का ये फॉर्मूला यहां पर यूज होता है। अब कंडीशन क्या बनेगी हमारी यहां पे, ये जो प्रोसेस पूरा हमारा हो गया है तो अब इसके बाद से हमारा ये एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट हमारी एंट्री इस पर आते हैं। अब अभी जो हमारी ये लास्ट एंट्री केस बनती है, लास्ट केस क्या बन जाता है, अब यहां पर पहले हमने प्राइवेटली देख लिया, कैश में लेकर आ रहा है ये देख लिया, तो जस्ट इसका ऑपोजिट अगर कैश में लेकर नहीं आएगा, जैसे कि पार्टनर जो आ रहा है फर्म में वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे आ रहा है, तो यहां पर उसकी एंट्री बनेगी। तो जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे ना तो उसमें भी आपको कंडीशन दिखाएंगे, लेकिन आप जान लीजिए बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री आपकी 95% से 100% मैं कह सकता हूं चांस है। ये जो कंडीशन आपका एक और बनता है मैं आपको बता देता हूं, इसी यही सेम एंट्री आपकी एक आपका टॉपिक है हिडन गुडविल, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, और जब से सीबीएसई का सिलेबस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है ये हिडन गुडविल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसी पर बेस्ड अब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग वाला बनता है ना एडमिशन में 1 मार्क्स का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा वीडियो देखिएगा आप, तो उसमें ये हमारा पूरा पॉइंट आएगा। तो यही कंडीशन हमारी पूरी अब बनना स्टार्ट होगी। अब यहां पर क्या होता है, तो देखिए या तो हम इस तरह से क्वेश्चन को कहें, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब न्यू पार्टनर जो है अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आ रहा है तो भी ये एंट्री बनेगी, और अगर हिडन गुडविल का है तो हिडन गुडविल में भी वो कैश लेकर पैसा नहीं आता है गुडविल का तो भी ये एंट्री बनेगी। तो अब पॉइंट क्या बनता है आप ध्यान से समझिएगा, हिडन गुडविल तो हमारे पास क्वेश्चन में है ये इस तरह से पॉइंट, एंट्री क्या बन रही है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फिर मैं नहीं कहूंगा ओल्ड पार्टनर नहीं क्या सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है क्यों करंट अकाउंट कर रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि अगर कोई पार्टनर अपने साथ कोई पैसा लेकर नहीं आता है गुडविल का, सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूं, तो अगर गुडविल का पैसा वो लेकर नहीं आया तो फिर वो पैसा कैलकुलेट कैसे होगा, तो फर्म की गुडविल के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ध्यान से समझिएगा ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक हमारा फर्म की गुडविल के ऊपर कैलकुलेट होगा, फर्म गुडविल पर हमारा ये पूरा टॉपिक कैलकुलेशन होगा। तो पहले क्या होता है पूरे फर्म की गुडविल निकाली जाएगी, फिर उसके बाद से जो पार्टनर एंट्री किया है उस गुडविल में उसका शेयर निकाला जाएगा, फिर उस शेयर को ये सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं। तो जब भी ऐसा अमाउंट फर्म के गुडविल के अमाउंट में से निकल रहा है तो ये तो फिक्स्ड है नहीं कि इसका बैलेंस डेबिट है और क्रेडिट है, मतलब कि ये करंट अकाउंट का तो बैलेंस फिक्स्ड होता नहीं है, मैंने फंडामेंटल चैप्टर में आपको बताया था। सो कंडीशन क्या बनती है, जब भी ऐसा पैसा फर्म की गुडविल से कैलकुलेट होगा तो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि ये पार्टनर कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो करंट अकाउंट मतलब तो पहले तो पार्टनर उसका रिसीवर हुआ ना, क्योंकि गुडविल जो आई तो न्यू पार्टनर उसका रिसीवर हुआ, और गिवर कौन है, अभी यही सैक्रिफाइजिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर ही उसको सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये जो एंट्री है ये दोनों कंडीशन पे सेम एंट्री पास होगी, लेकिन कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन आएगी व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इस पर बेस्ड हम अपनी एंट्री को दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं, फर्म की गुडविल निकालने का कैलकुलेशन का मेथड अलग होगा, और जब हिडन गुडविल कहेगा तो भी एंट्री सेम होगी, लेकिन हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब इसके बाद से नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए हिडन गुडविल से रिलेटेड एक क्वेश्चन टॉपिक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और मोस्टली स्टूडेंट मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताते हैं व्हाट्सएप पे कि सर यही टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा पूरा आज एक क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, देखिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया है, आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से आप एक जगह पेज पर नोट कर सकें।
अब पॉइंट क्या बनता है कि जब आप ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस फिर मैं कराऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप पढ़ाई करते रहिए, अब आपका बिल्कुल लॉस नहीं होने वाला है, सारी चीजें आपको रिवाइज्ड सिलेबस के थ्रू बताई जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।